हमारी कलाई मजबूत है, हमारी वसी सल्तनत है। दीवान का आगाज अल्लाह के 99 नामों से, जिस अल्लाह के खातिर हमने अपनी जाने कुर्बान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस ओहदे पे फाइज होने की वजह ये फतह है। जहां तक महल में हमारी मुलाकात की वजह की बात है, ये हमारी मजबूती और ताकत की तस्दीक है। और हजरात, अब आप में से हर एक अपनी अपनी फौज निकालेगा। हम बायज़ंटीनियों की तरफ पेशकदमी करेंगे। उस्मान साहब, क्या साथ नहीं हम लोगों के? उस्मान मंगोलों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक मुहिम चलाता है और फिर उसने अपनी बैत भी वापस ले ली है। दीवान में उसके लिए कोई जगह नहीं। उस्मान जैसे बहादुर को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए हमें। अगर कोई एतराज करने वाला है तो वह जाए और उसके साथ खड़ा हो जाए। हमारा मकसद फतह है और जो उस्मान का साथ देगा, मुझे इसके दिल में जिहाद की मोहब्बत पर शक होगा। सरदारान, अब आप सब मेरे झंडे तले खड़े होकर मुत्तहिद हो जाएं। हम सब मिलकर फतुहात हासिल करेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? हम आपके साथ हैं सुल्तान याकूब। हम आपके साथ हैं सुल्तान याकूब। हम साथ हैं आपके सुल्तान याकूब। हम साथ हैं सुल्तान याकूब। हम आपके साथ हैं। क्या बात है कारसी साहब? जनाब, उस्मान ने मंगोलों को हमारी तरफ मुतवज्जा किया और वो मगरिब की तरफ फतह के रास्ते को खराब करता है। क्या हम इसी तरह मिलकर दो महाजों पर लड़ सकेंगे? अगर मंगोलों ने हम पर हमला किया, फिर हम क्या करेंगे? जो सर काटेगा वही खुद कीमत अदा करेगा। मंगोल अब हमारे लिए कोई मसला नहीं है। आपका मतलब हम मुदाखलत नहीं करेंगे? मेरी बात बिल्कुल साफ है कारसी साहब। उस्मान ने ऐसा पहली बार नहीं किया और न ही ये आखिरी बार होगा। हमने अब तक जो बर्दाश्त किया वो काफी है। हम फतुहात हासिल करेंगे और हम सब कुछ मंगोलों के हाथों से वापस लेंगे। उस कुव्वत से जो आज़ो खान से ली है, हम अपना रुख मशक की तरफ और फिर कोनिया की तरफ करेंगे। मंगोल आज का मसला नहीं बल्कि कल का मसला है। और अब सरदारान, आप अपने हमवतनों के पास कासिद भेजें। तमाम फौजें मेरे झंडे तले मुत्तहिद होकर लड़ेंगी। हम काफिरों को नेस्त व नाबूद कर देंगे। हमारा पहला हदफ इज़्ज़त है।
बैठिए, नोश फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।